हेलो गाइस, आज का व्लॉग है घूमी घूमी का। हम जा रहे हैं टू डेस्टिनेशंस पे। फर्स्ट इज जयपुर एंड सेकंड इज खाटू श्याम जी। पहला स्टॉप जो कि है ओल्ड राव होटल, जो कि था हमारा फर्स्ट स्टॉप। हमने सोचा क्यों ना यहाँ रुक के थोड़ा सा कुछ छुटपुट खा लिया जाए, लाइक स्नैक्स एंड सम छोटा मोटा कुछ भी। सो हमने किया ऑर्डर थाली, कॉफ़ी, लस्सी एंड देन उसके बाद हमारा सफ़र फिर से स्टार्ट हो गया। सो यू कैन सी द वेदर इज़ ऑसम। एंड फिर हमने ली एक छोटी सी चाय और फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन फर्स्ट वन, विच इज़ खाटू श्याम जी। और आप देख सकते हैं श्री श्याम शरणम। उसके बाद हम वहां पर उतरे और हमने किया उनको जय, ये है भाभी। एंड उसके बाद हम गए अंदर एंड आप देख सकते हो कितना क्राउड है। और सुबह के बज रहे हैं 5:15 और इतना क्राउड है। फिर हम एक शॉप पे गए जहाँ से हमने लिया थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाने के लिए, और वहीं पर हमने जूते भी उतारे। और प्रसाद में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, आपकी श्रद्धा है, कुछ भी ले सकते हैं आप। एंड टाइम देख लो 5:10 है। सो हमने लिया पेड़ों का प्रसाद और 5 मेवों का प्रसाद, जो कि हमने अंदर जाके जिसको हमने चढ़ाया। एंड आपकी इच्छा है, आप कुछ भी ले सकते हैं वहाँ पर चढ़ाने के लिए, जो आपकी मर्ज़ी हो, एनीथिंग आप जाके चढ़ा सकते हैं। एंड नाउ फिर हम पहुँच गए हैं, ये है मंदिर की एंट्रेंस। यहाँ से हमने की है एंट्री और आप देख सकते हो सुबह 5:15 बजे भी कितना ज़्यादा क्राउड है, कितना रश है। वैसे 5:15 बजे ही दर्शन करने चाहिए कहते हैं धार्मिक स्थलों पे। अगर आप सुबह सुबह दर्शन करो तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। सो हमारा भी दर्शन उसी टाइम हुआ 5:15 के आसपास। सो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड ये जो आप चीज़ें देख रहे हो, ये ऑब्स्टेकल्स जैसे होता है ना, लाइक कि एकदम से भीड़ ना आए, सो अलग अलग करके रश भी ना हो और सारे दर्शन कर ले, सो उन्होंने ये लाइंस बनाई हैं। तो इसको क्रॉस करके आपको जाना पड़ता है। सो फिर हम चल रहे थे एंड उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को कहा थोड़ा सा वीडियो आप मेरा शूट कर दो। एंड ये हूँ मैं। एंड यहाँ पर मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम विजिट कर रही थी ऐसी जगह पे। सो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप भी कभी जाओ वहाँ पर तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। सो वहाँ पिक्चर वीडियो अलाउ नहीं थी तो हमने ली एक पिक्चर। एंड फिर हम आगे वो निकल गए हमारी टूवर्ड्स अवर सेकेंड डेस्टिनेशन जो कि सो ये है जयपुर का रास्ता। फिर रास्ते में हमारी एक छोटी सी हो गई लड़ाई। हम एक जगह पे रुके थे जहाँ पर हमने सोचा कि इसकी खाटू श्याम जी की एंट्रेंस पे फ़ोटो क्लिक कराते हैं। वहाँ पर हम फ़ोटो क्लिक कराने उतरे तो वहाँ पर कुछ लोगों ने बोला कि आपने नो एंट्री में पार्क की है, नो एंट्री की वजह से आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। बट हम नो एंट्री में नहीं थे, बट वो सारे लोग थे। तो फिर हमने सोचा कि चलो क्यों बहस करनी। सो हमने बोला कि ठीक है हम फ़ाइन भरेंगे। हमने 200 रुपीज़ का फ़ाइन भरा एंड देन फिर हम अपनी डेस्टिनेशन को चल दिए। और फाइनली फिर हम पहुंच गए हैं पिंक सिटी, जो कि है जयपुर, जो कि था हमारा सेकंड डेस्टिनेशन। और अब हम अपना होटल ढूंढ रहे हैं, जो कि है मांडवा हवेली। हमें एग्जैक्टली पता नहीं था कि उसकी लोकेशन क्या है, सो हम सर्च कर रहे थे उसको कि देखिए कहाँ होगा। सो हम लोगों से भी पूछ रहे थे आसपास के कि ये आपको पता है कि नहीं। सो हम फिर वहाँ पर हम सर्च करते रहे और फाइनली फिर हम अपने होटल पहुँच गए।
सो फाइनली वी रीच आवर सेकेंड डेस्टिनेशन जो कि है मांडवा हवेली। सो हमने यहाँ पर जाके अपना बोला कि हमारी बुकिंग है। सो उन्होंने हमें रूम्स बोला कि चलो हम आपको रूम्स दिखाते हैं। बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। सो हम उनके साथ रूम देखने चले गए। उन्होंने बोला कि चॉइस आपकी है, आपको अपस्टेयर्स चाहिए या डाउनस्टेयर्स चाहिए। हम आपको अपस्टेयर्स डाउनस्टेयर्स दोनों तरफ दिखा देते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगेगा वो हम आपको दिला देंगे। सो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारी है। मेरा तो बाय गॉड ऐसा हो रहा था कि वाओ कि हम कहाँ आ गए। और मुझे ऐसी जगह जाना बहुत पसंद है, लाइक जहाँ पर आपको एक पुरानी पुरानी सी एंशेंट फीलिंग आए। सो ऐसी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम पुराने ज़माने में पहुँच गए हैं। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हमने रूम चेकआउट किया कि देखते हैं कौन सा चाहिए, अपस्टेयर्स की डाउनस्टेयर्स। सो हम ऊपर जा रहे थे देखने के लिए रूम्स, तो अब भाभी चल रही हैं ऊपर। तो हमने सोचा कि पहले दोनों तरफ का देख लेते हैं एंड देन जो भी हमें ठीक लगेगा उसको हम फाइनल कर देंगे। सो उन्होंने हमें ऊपर का पहले एक रूम दिखाया एंड आप देख सकते हो कि वो रूम भी बहुत प्यारा था, बहुत ही अच्छा था। मुझे वो रूम भी बहुत पसंद आया, बट हमने सोचा कि चलो डिसाइड करने से पहले दोनों तरफ के देख लेंगे। एंड आप देख सकते हो कि कितना क्लीन है। मेन चीज़ होती है क्लीनिनेस, और वो बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। सो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो फिर हमने फाइनली हमने और दो तीन रूम देखे एंड फाइनली हमने डिसाइड कर लिया। और ये है मेरा रूम जो कि था डाउनस्टेयर्स, और ये भी बहुत प्यारा है। मेन चीज़ है कि उसका बाथरूम बहुत छोटा था एंड इसका बाथरूम बहुत बड़ा है। सो इसीलिए हमने ये वाला रूम डन करा। फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम शाम को हमने सोचा चलो थोड़ा मार्केट घूम के आते हैं। सो हम फिर गए मार्केट, वहाँ पर हमने थोड़ा घूमा एंड वहाँ पर फिर थोड़ा कुछ खाया। सबसे पहले तो माय फेवरेट चुस्की और लाइक काला कट्टा। लाइक हमने सोचा क्यों ना गोला ट्राई करें, जयपुर का फेमस। सो हमने वहाँ पर गोला खाया। और ये देखो भैया गोला बना रहे हैं अभी। एंड उसके बाद हमारा प्लान था आगे कि थोड़ा मार्केट घूम के हम जाएंगे डिनर करने। और फिर जैसे ही वो डन हुआ हम गए आगे डिनर की जगह ढूंढने, क्योंकि हम चाह रहे थे कि कुछ और ट्राई करें, कुछ एक्सप्लोर करें। तो हम पहुँचे मूमल रेस्टोरेंट बार में ताकि हम यहाँ पर अपना डिनर कर सकें। तो वहाँ पर हम थोड़ा सा चेक कर रहे थे कि कैसा है, तो हम अंदर चले गए। रेस्टोरेंट एंड बार था, है तो बहुत प्यारा था बट सही नहीं था, लाइक एक फैमिली की तरह, क्योंकि वहाँ पर लोग कुछ स्मोक कर रहे थे, कुछ ड्रिंक कर रहे थे। सो हमने थोड़ा सा चेक किया बट फिर हमें कुछ समझ नहीं आया और हमने सोचा कि नहीं किसी और जगह चलते। सो फाइनली हमको एक जगह मिल गई जो कि थी फैमिली रेस्टोरेंट। ये भी बहुत प्यारा था, लाइक वहाँ की हर जगह ही ऐसी बनी हुई है, लाइक ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी पुराने ज़माने में पहुँच गए। तो हम वहाँ गए, फिर हमने वहाँ पर ऑर्डर किया। वहाँ पर अलग अलग कैबिन्स बने होते हैं जहाँ पर आप बैठ के इन्जॉय कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ डिनर। सो हम उस कैबिन में चले गए एंड हमने खाना खाया, लाइक वी हैड एग करी, चिकन मटन। मैं तो खाती नहीं हूँ चिकन मटन, सो आई हैड एग करी देयर। सो वो खाया। खाना खाने के बाद हम घर वापस आ गए थे, फिर आके हम सो गए। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम जब उठे तो हमने वहाँ देखा एक शूट हो रहा था मूवी का, जो कि थी चाइनीज़ मूवी। हम अपने ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे तो हमने शूट इन्जॉय किया। शूट इन्जॉय करने के बाद हमें उन्होंने बोला कि आप अब अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। सो हम 8 AM अराउंड 8 AM हो रहे थे तो हम गए अपने ब्रेकफास्ट वाली जगह। और वो जगह भी बहुत प्यारी थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही नीट, बहुत ही क्लीन। सो मेन चीज़ है इस जगह की कि यहाँ पर साफ़ सफाई बहुत है और स्टाफ बहुत अच्छा है कि आपको बहुत मज़ा आता है। इन फ्यूचर अगर मैं कभी जयपुर फिर से गई, वैसे तो जाती रहती हूँ, अगर गई तो मैं इसी रिजॉर्ट में रुकना पसंद करूँगी, क्योंकि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, स्टाफ बहुत अच्छा है, एवरीथिंग बहुत ही वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। सो उसके बाद हमने लिया अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में सब कुछ था, एग, ब्रेड, वेज, नॉन वेज, जूस, फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी, मतलब जो आप खाना चाहो वो आपको मिल जाएगा वहाँ पर।
सो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने की थोड़ी सी नौटंकी, ये हूँ मैं, जब तक मैं नौटंकी ना करूँ तब तक मुझे मज़ा नहीं आता, सो मैंने थोड़ी नौटंकी की। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारे पास थोड़ा टाइम था क्योंकि सिर्फ 9 ही बज रहे थे 9 AM, सो हमने सोचा कि हमने तो चेकआउट 12 बजे करना है तो क्यों ना थोड़ा सा पूल इन्जॉय किया जाए। सो ये मेरे हस्बैंड जो कि कह रहे थे मुझे कि अब तो मेरी एक वीडियो बना स्लो मो, सो मैं उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया स्लो मो में। सो हमने किया पूल इन्जॉय, थोड़ी सी रील्स बनाई, थोड़ा सा किया इन्जॉय, एंड इन्जॉय करने के बाद फिर हमें होना था रेडी, फिर हम रेडी होने चले गए। फिर रेडी होने के बाद हम निकल गए अपने घर की ओर, मन तो नहीं कर रहा था बट घर तो जाना ही होता है वापस, सो हम आ गए वापस। 2 days हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही फ़न किया। 2 destinations कवर्ड हमने करी, खाटू श्याम जी मेन हम उसी के लिए गए थे और जयपुर। सो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, छोटा सा जयपुर ब्लॉग पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।